मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस ऑनलाइन रसायन विज्ञान क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, सॉल्यूशन विलयन। विलयन के बारे में देखा जाए कि विलयन है क्या। वास्तव में देखा जाए तो विलयन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। किसी भी या किन्हीं भी दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम कह सकते हैं विलयन है। पूर्व की कक्षाओं में हमने जब पदार्थों का क्लासिफिकेशन किया था तो इसमें एक शब्द आया था मिक्सर। मिक्सर को हिंदी में मिश्रण कहते हैं। वही मिश्रण जिसमें बताया गया था आपको कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो उनसे जो बना अशुद्ध पदार्थ होता है उस अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक होमोजिनस मिक्सर और दूसरा है हेटरोजिनस मिक्सर। होमोजिनस को हिंदी में समांगी और हेटरोजिनस को हिंदी में विषमांगी। विषमांगी का मतलब जिसमें घटक अवयव को, यानी मिश्रण में हम जिन जिन अवयवों को यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जो अलग अलग घटक अवयव हैं उनको अगर हम अलग अलग वे में, यानी इन्हें मिलाने के पश्चात अगर हम अलग अलग वे में देख सकें तो उसे कहा गया विषमांगी मिश्रण। लेकिन अगर देखा जाए समांगी, तो समांगी माने होता ही है सम अंग, यानी इसमें फेज जो होगा या फेज सिस्टम जो होगा वो एक होगा। फेज सिस्टम एक का मतलब इसमें घटक अवयव को हम अलग अलग देख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसकी जो डिफिनेशन होगी, परिभाषा होगी, वो परिभाषा होगी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के विलयन की परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अच्छा, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि इसमें कुछ कंपोनेंट होंगे, घटक होंगे। तो इनमें देखा जाए या सॉल्यूशन में देखा जाए तो दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। इन्हें पहचानेंगे कैसे? सॉल्यूट को हिंदी में कहेंगे विलेय। क्या कहेंगे? विलेय। और इसे हिंदी में कहेंगे विलायक। विलेय और विलायक, यानी विलयन में या विलयन जो हमारा होता है वो दो घटकों से मिलकर के बना होता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय का मतलब होता है कि जो घटक घुलता हो या विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। इसके अलावा विलायक की बात की जाए तो विलायक का अर्थ होता है, विलायक की परिभाषा होती है विलयन में जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होती है या विलयन में जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन के जैसी होती है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसे समझते हैं, तो एक उदाहरण है चीनी और पानी का विलयन। चीनी और पानी को आपस में एक दूसरे में मिला दीजिए तो एक समांगी मिश्रण बन जाता है। इस समांगी मिश्रण में चीनी घुलता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि विलयन में चीनी की मात्रा कम होती है इसलिए यह विलेय हो गया, और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यह इसको घोलता है इसलिए ये विलायक हो गया। एक दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। 10% एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन। इसमें अगर देखें तो 10% एथिल अल्कोहल का सूत्र तो होता है C2H5OH। अरे बच्चों, हमेशा सूत्र जो होता है, सूत्र को आप क्लास में इस प्रकार से
बार बार रिवीजन करके याद करना आवश्यक है, क्योंकि बिना सूत्र के रसायन विज्ञान में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अच्छा देखें इसमें, तो जो एथिल अल्कोहल है इसकी मात्रा 10 ml, बाकी 90 ml आपका जल हो गया। इसमें जो 10 ml एथिल अल्कोहल है यह काम करेगा विलेय की तरह, और ये जो है कहलाएगा विलेय। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, इस विलयन में जल की मात्रा ज़्यादा है और एथिल अल्कोहल की मात्रा कम है, इसलिए जल यहाँ विलायक हो गया और जो एथिल अल्कोहल है वो विलेय हो गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। विलयन, विलयन का शाब्दिक अर्थ होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। वास्तव में समांगी मिश्रण जो है वह मिश्रण का ही एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, जिसमें ये सिंगल फेस सिस्टम के रूप में होता है, एकल प्रावस्था। इसकी ये दो घटक से बना होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट विलेय, विलेय का मतलब विलयन में जो घुला होता है या विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है। विलयन में जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होती है या विलयन में जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन के जैसी होती है उसे विलायक कहा जाता है। इसमें जो है, इसका उदाहरण हम लोगों ने लिया था चीनी और पानी का समांगी मिश्रण, या कह सकते हैं विलयन। इसमें चीनी विलेय, पानी विलायक है। या दूसरा उदाहरण है 10% एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH, जल का सूत्र H2O होता है। इसमें देखेंगे कि 10% यानी एथिल अल्कोहल की मात्रा कम है इसलिए यह विलेय हो गया, और जल की मात्रा ज़्यादा है इसीलिए यह विलायक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन विलयन के प्रकार। विलयन को हम कई आधार पर बांट सकते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट क्वांटिटी। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं तनु विलयन, और दूसरा है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं सांद्र विलयन। तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, उसे हम लोग तनु विलयन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। तनु विलयन का उदाहरण है, मान सकते हैं कि अगर हम पानी में चीनी थोड़ी मात्रा में डालते हैं तो वह चीनी का तनु विलयन बन जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में डाल दिए तो वह चीनी का सांद्र विलयन हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए H2SO4 है, तो H2SO4 का तनु विलयन, तो इस H2SO4 का तनु विलयन, इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 का एक ऐसा विलयन है जिसमें H2SO4 की मात्रा बहुत कम होती है। अगर कहा जाए H2SO4 का सांद्र विलयन, इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 का एक ऐसा विलयन है जिसमें H2SO4 की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा हम लोग आधार मानेंगे, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ दूसरा आधार मानेंगे हम लोग ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर अगर देखा जाए तो फिजिकल स्टेट के आधार पर विलयन जो होता है वो चार प्रकार का होता है, चार प्रकार का। एक है सॉलिड घुल जाए अगर लिक्विड में, लिक्विड में सॉलिड को अगर हम विलय मान लें, या यह विलय है और यह विलायक है, तो अगर सॉलिड कोई पानी में घुल जाता है, विलय में, द्रव में घुल जाता है, तो वहाँ पर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। इसका उदाहरण चीनी का पानी में विलयन या यूरिया का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, ये सब उदाहरण हैं सॉलिड लिक्विड विलयन के। दूसरा हम लोग देख लेते हैं गैस का, गैस का गैस में विलयन। अगर गैस गैस में घुल जाता है तो ऐसे विलयन को गैसीय विलयन कहा गया, कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है एयर, एयर में देखा, एयर में आप लोगों को पता होगा कि कई प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कई अन्य अक्रिय गैसें रेडान को छोड़ करके, तो ये सब आपस में मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब आपस में मिलकर के एक समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं, जिसे हम गैस का गैस में विलयन कह सकते हैं। तीसरा है लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में विलयन। अगर किसी लिक्विड को लिक्विड में घोल दिया जाए तो इससे जो समांगी मिश्रण बनता है, उस समांगी मिश्रण को हम लिक्विड का लिक्विड यानी द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। इसका उदाहरण प्रमुख रूप से है 10% एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन। इसमें एथिल अल्कोहल भी जल होता है, एथिल अल्कोहल भी द्रवावस्था में होता है, और जल तो द्रवावस्था में है ही, इसलिए इसको मान सकते हैं हम एथिल अल्कोहल, 10% एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन, जलीय विलयन, ठीक है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो प्रकार है वह गैस का लिक्विड, लिक्विड में, गैस अगर लिक्विड में घुल जाए तो उसे हम गैस का लिक्विड में, गैस लिक्विड मान सकते हैं। यह है एक समांगी मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण हो गया या विलयन हो गया। तो इसका जो प्रमुख रूप से उदाहरण है वह है सोडा वाटर, सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर। सोडा वाटर में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होती है और ये घुली होती है पानी में, द्रव में, इसमें अगर घोल दिया जाए तो वह कहलाता है सोडा वाटर। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन भी कह सकते हैं, या सोडा वाटर जो होता है वह गैस का द्रव में, गैस का द्रव में समांगी मिश्रण हो गया या विलयन हो गया, ठीक है। उसके पश्चात तीसरा है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, 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 विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि विलेयता है क्या चीज़। देखें किसी निश्चित ताप पर या किसी भी ताप पर अगर हम किसी बीकर में, किसी पात्र में या बीकर में द्रव ले लें, इसमें क्वांटिटी 100 ग्राम, 100 ग्राम कोई द्रव ले लें, कोई विलेय पदार्थ इसमें ऐड करें एक निश्चित ताप पर, तो ऐड करने के पश्चात विलेय पदार्थ इसमें जाने के पश्चात घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अब विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाएगा और ये पेदी में ठोस अवस्था में जा करके स्थित हो जाएगा, ये नीचे नीचे भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इससे ज़्यादा मात्रा में कोई विलेय पदार्थ इसमें, ये विलेय पदार्थ इसमें नहीं मिक्स हो सकता, नहीं घुल सकता। तो अब इसको कहा गया कि यह एक संतृप्त विलयन है, यह एक संतृप्त विलयन, या यह जो विलायक था
या यह जो विलायक था यह पूरी तरह से संतृप्त हो गया। अब इससे ज़्यादा मात्रा में हम इसमें इस विलेय पदार्थ को घोल नहीं सकते। तो विलेयता की परिभाषा अगर देखी जाए तो विलेयता की परिभाषा है कि किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को पूर्ण रूप से संतृप्त करने के लिए जितने विलेय पदार्थ की ज़रूरत होती है वह विलेय पदार्थ या जितनी मात्रा में विलेय पदार्थ की ज़रूरत होती है आवश्यक होता है वह मात्रा उस पदार्थ का विलेयता कहलाता है। ये जो विलेयता होता है ये वास्तव में प्रमुख रूप से तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, यानी इस विलेयता को तीन कारक प्रभावित कर सकते हैं। एक तो ताप है, ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो विलेयता का मान भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। दूसरा विलेय और विलायक की प्रकृति, अगर विलेय पदार्थ कोई विद्युत अपघट्य है, भाई देखा जाए तो पदार्थ जो है अपघट्यता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो वैद्युत अपघट्य और एक वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अपघट्य का मतलब वे पदार्थ जो किसी उच्च डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले या कह सकते हैं किसी ध्रुवीय विलायक में घोलने पर अपने अणुओं में नहीं अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अनपघट्य एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ध्रुवीय विलायकों में अपने आयनों में नहीं अपने अणुओं में वियोजित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को वैद्युत अनपघट्य कहा जाता है। वैद्युत अनपघट्य का उदाहरण ग्लूकोज यूरिया ये सब है, और वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है NaCl, KCl, K2SO4, ये सब वैद्युत अपघट्य के अंतर्गत आते हैं। यानी ये अगर किसी ध्रुवीय विलायक में जाएंगे तो अपने आयनों में यानी Na+ और Cl- K+ या Cl- K+ SO4- में वियोजित हो जाएंगे। लेकिन ग्लूकोज जो होता है या यूरिया जो होता है यह है ध्रुवीय विलायकों में अपने आयनों में नहीं अपने अणुओं के रूप में वियोजित होता है। तो अगर कोई विलेय पदार्थ वैद्युत अपघट्य है तो उसकी विलेयता ज़्यादा ध्रुवीय विलायकों में होगी, और अगर वैद्युत अनपघट्य है तो उसकी विलेयता ज़्यादा अध्रुवीय विलायकों में होगी। ध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक के बारे में और डिटेल में, वैद्युत अनपघट्य के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। विलेयता की परिभाषा हमने आपको बताई, विलेयता की परिभाषा क्या है, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को पूर्ण रूप से संतृप्त करने के लिए जितने विलेय पदार्थ की या जितने मात्रा विलेय पदार्थ की ज़रूरत होती है वही मात्रा उस विलेय पदार्थ की या उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब विलेयता के आधार पर अगर देखा जाए तो जो विलयन होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी एक ऐसा विलयन जो संतृप्त हो उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा गया, सैचुरेटेड विलयन कहा गया। अनसैचुरेटेड यानी जिसमें एक ऐसा विलयन जिसमें संतृप्तता से कम मात्रा में विलेय पदार्थ हो, एक ऐसा विलयन जिसमें संतृप्तता जितनी हो उससे अगर कम मात्रा में कोई विलेय पदार्थ घुला होता है तो ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन अति संतृप्त विलयन यानी एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ संतृप्तता से ज़्यादा मात्रा में घुला होता है उसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन या अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। बस आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक्स।